अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सेल्फी आपको भी भाई, ईद मुबारक। गाइस मजे से हम लोग बाहर निकल चुके हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर काफी भीड़ लगी है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो गाइस रात के अभी 12 बज चुके हैं और चांद रात में जो है सो मेहंदी का प्रोग्राम हर घर में होता है। नमाज पढ़ने के बाद से खाली सवे दूध ही खा रहे हैं, तो खाते खाते भाई हालत खराब हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं फोर्शाद, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और गाइस फाइनली हम पटना से अभी गांव आ चुके हैं, और गांव किस लिए आए आप लोगों को बेसिकली पता चल गया होगा, क्योंकि भाई कल ईद है और आज लास्ट रोज़ा है, और आज रमज़ान का लास्ट जुम्मा भी था जो कि अलविदा था। तो हम लोगों ने नमाज़ पढ़ लिया और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, और ये व्लॉग ईद से एक दिन पहले शूट हो रहा है, तो सारी एक्टिविटी आप लोगों को हम दिखाएंगे। ये मेरा लड़का अलमीर है। हाय बोलो बेटा, इधर आओ। हाय, हेलो, कैसे हो? ठीक है। तो चलिए गाइस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये गांव है जो कि आप देख सकते हो, काफी खूबसूरत नजारा यहां से आप लोगों को दिख रहा होगा। ये घर बनके तैयार हुआ है, नीचे में भी सब लोग रह रहे हैं, ऊपर अभी शिफ्ट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें अभी काम बहुत सारा बचा हुआ है। प्लास्टर हो गया है, पेंटिंग का और इलेक्ट्रिक का काम बचा हुआ है। और ये बालकनी है, काफ़ी अच्छी हवाएं यहाँ पर आ रही है। ये आंगन है, और आंगन में एक पहले आम का पेड़ है, काफ़ी सारा आम फड़ा हुआ है इसमें। A few moments later, पूछिए कहाँ था ये? कहाँ था? ऊपर था, ऊपर था। ठीक है, गाड़ी चला रहा है। ठीक है, गाड़ी चलाओ। पहले गाड़ी नहीं चला पा रहा था, लेकिन अभी ये गाड़ी फर्स्ट क्लास चला लेता है। तो गाइस इसको देखो, एकदम मस्त मौला है, आराम से ये खेल रहा है। अभी इसका नाम नहीं रखा गया है, नाम रखा जाएगा तो आप लोग। हाँ हो गया, अच्छा टकला हो गया है। देखिए ये बोल रहा है टकला हो गया। यहाँ पर आके बैठो, ऊपर बैठो। अच्छा बताओ, पुष्पराज करके दिखाओ। पुष्पराज बोलो। हाँ, क्या ले रहा है, क्या खा रहा है? अंगूर। A few moments later, इसको देखो आप, ये लड़का बदमाशी कर रहा है। देखिए झूला में, बच्चे का झूला है, ये बड़ा होकर के झूला में झूल रहा है। एक्चुअली झूला इसी के लिए लाए थे, जब ये छोटा था इसको भी झुलाए थे। अभी छोटा बाबू इसके अंदर झूलता है, लेकिन ये जीत करता है कि हमको भी झूलना है। अभी देख, 6.5 hours later, तो गाइस अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, और अभी हम लोगों ने इफ्तार किया है, और इफ्तार करने के बाद हम लोग जो है सो चांद देखने के लिए आए थे। फाइनली चांद जो है सो नजर आ चुका है। मैं आप लोगों को दिखाऊं अगर, तो भाई अभी शाम के टाइम में दिखेगा तो बिल्कुल भी नहीं। क्या सद्दाम भाई, चांद नजर आया? हाँ, ये सामने दिख रहा है चांद, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना। इंशाल्लाह चांद मुबारक हो भाई आपको। जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, और देखिये भाई आप लोगों को भी चांद मुबारक हो। तो गाइस आप देख सकते हो, मैं आप लोगों को चांद दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ जूम करके, शायद मैं भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा हो। आप देख सकते हो बादल जो है सो कवर किए हुआ है। 6.5 hours later, तो गाइस रात के अभी 12 बज चुके हैं, और चांद रात में जो है सो मेहंदी का प्रोग्राम हर घर में होता है। तो हमारे घर में भी भाई मेहंदी लगाने का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देख लीजिए क्या लगा रही हो, मेहंदी। और इधर भी मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा है जो कि आप देख सकते हो। अरे वाह, टैबलेट में देख देख के लगा रही हो? अच्छा, ये डिजाइन देख देख करके लगा रही है छोटी। अच्छा डिजाइन है तुम्हारा तो। थैंक यू। ओके, 6.5 hours later, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, और अभी सो के हम लोग उठ चुके हैं, और अभी जाएंगे नहाएंगे धोएंगे, और उसके बाद फिर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। तो ईद का नमाज जो है सो हमारे यहाँ 7:45 में है, मतलब 7:45 बजे है। तो गाइस नहा धो करके फ्रेश हो चुके हैं, और खुशबू है, लगाना सुन्नत है, तो जरूरी है। A few moments later, तो गाइस अभी नहा धो के हम लोग रेडी हो चुके हैं, और अभी नमाज पढ़ने के लिए जाना है। तो नमाज पढ़ने से पहले जो है ना थोड़ा सा मीठा खाना जरूरी होता है, तो अभी सवे दूध हम लोग खाएंगे, उसके बाद फिर नमाज पढ़ने के बाद फिर पुलाव गोश्त खाएंगे। तो भाई ये सवे दूध है। Oh
तो गाइस अभी हम लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ चुके हैं और थोड़ी देर में जो है सो नमाज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नमाज पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को बाहर मिलते हैं। ईद मुबारक, हाँ खुर्शीद भाई चलिए ईद मुबारक। सलाम वसीम भाई ईद मुबारक, ईद मुबारक बाबू, ईद मुबारक समझा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सेंटी आपको भी भाई, ईद मुबारक। और हजरत ईद मुबारक आपको भी मुबारक। वालेकुम सलाम। तो भाई फाइनली हम लोग ईद की नमाज अदा कर लिए है और साथ साथ में हमारे अकबर बाबू है और अभी हम लोग जो है सो जा रहे हैं घर पे, फिर सेवैया खाएंगे, फिर आप लोगों को तस्वीरें दिखाएंगे। गाइस मस्जिद से हम लोग बाहर निकल चुके हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर काफी भीड़ लगी है। इसको देखो भाई, हाथ में हाथ मिलाया जा रहा है, शकील बाबू है। और क्या हाल है बाबू? चलो गुलफराज। और यहाँ पे भाई आइसक्रीम वाले भैया है, काफी भीड़ लगी है यहाँ पर। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो भाई सब लोग आपस में गले मिल रहे हैं। हजरत आइए, सलाम अलैकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, राम सलाम, ईद मुबारक में जमचा, सलाम अलैकुम, ईद मुबारक। और हजरत ईद मुबारक, ईद मुबारक, चलिए सलाम अलैकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वसीम क्या हाल चाल? तो भाई जी हमारे गांव का जो है सो आलम नगर चौक है और आलम नगर चौक पे देख लीजिए काफ़ी सारे बच्चे भाई आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं। आखिर दरअसल त्यौहार जो है सो बच्चों का ही होता है, बच्चों को ही खुशी मिलती है, बच्चे लोग कपड़े पहनते हैं और इनको ही ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आइसक्रीम वगैरह है सब लोग खा रहे हैं। A few moments later. तो भाई नमाज पढ़ने के बाद से खाली सवे दूध ही खा रहे हैं, तो खाते खाते भाई हालत ख़राब हो गई है। लेकिन अभी छोटी अम्मी के पास हम अभी आए हैं तो थोड़ा डिफरेंट खाने को मिला है। ये दही बड़ा है और छोला खाने को मिला है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। नहीं तो हर जगह पे सवे दूध खाते खाते ना भाई हालत ख़राब हो गई है। तो गाइस नमाज हम लोगों ने पढ़ लिया और खाना पीना भी हो गया है और अब आपको मिलवाते हैं अलमीर से। ये देखिए इसका लुक देख लीजिए कैसा लग रहा है, आप लोग बताइए कमेंट करके। अलमीर बोलो ईद मुबारक, बोलो ईद मुबारक, तुमको बोलने में नहीं हो रहा है। हाँ गोली मारी नाम से, हाँ टुकड़ा को गोली मारो, मारो दबा, गोली मार दिया, गोली मार दिया, टुकला को गोली मार रहा है। मतलब सामने आम का पेड़ है और आम के पेड़ में टुकला है ना, तो ये गोली मार रहा है। चलिए अब छोटे बाबू से आप लोगों को मिलवाते हैं। A few moments later. तो गाइस मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और भाई ईद की खुशी घर पे मनाने का अलग ही मजा होता है और काफी एक्साइटेड थे ईद मनाने के लिए। तो भाई पटना से हम लोग घर पे आए और घर पे अच्छे तरीके से ईद हम लोग फैमिली के साथ मनाए और बहुत सी चीज़ें जो है सो शूट नहीं कर पाए क्योंकि भाई लोग बिजी होते हैं, लोग जो है सो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, सेवैया खाते हैं। पूरे दिन भाई खाते खाते हालत ख़राब हो गई क्योंकि बहुत सारे जगह पे गए, बहुत सारे दोस्तों के घर गए और बहुत सारा वीडियो शूट भी नहीं कर पाए। तो अभी आप लोगों को मैं छोटे मियाँ से मिलवाता हूँ, ये देख लीजिए। बस ये छोटे मियाँ को आप देख सकते हो, ये हमेशा सोता ही रहता है, अभी जगा हुआ है, देखो उंगली पकड़ रहा है मेरा। क्या कर रहा है बाबू? व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।